बस उसे नींबू को पकड़ के रखिए। ओम श्री भगवान, ओम श्री भगवान। आपका रास्ता बांधा हुआ है, ठीक है, आपका मतलब काम धंधे सब सारी चीजें बांधे हुए हैं, और नींबू को देख लो हल्का टाइट हो गया है, टाइट है हल्का, उसे पकड़ के रखिए। आप उसे पहली तरह से दबा के देख लेना। आपके घर का दरवाजे के दरवाजे में कांच लगा हुआ है क्या? देखिए नींबू टाइट है, देखिए टाइट हुआ हल्का, थोड़ा सा लग रहा है। चलिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं किलर कर देता हूँ, यहीं से मैं कर दूंगा। अभी आपको आज रात्रि में क्या करना है वो देख लीजिए आप, ठीक है। आज रात्रि में आपको पहली बात तो ये नींबू जो है आप अपने ऊपर से उतारा करेंगे, ठीक है। इस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार उतारा करेंगे, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ये आप मंत्र पढ़ के इसे आप उतारा करेंगे, ठीक है। और घर के अंदर एक छोटी सी मंदिर है आपकी, देखिए ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटा है, छोटा है घर का। वहाँ पे एक जायफल रखना है आज शाम के टाइम पे, सूर्य ढलने के बाद सारे कमरों में एक एक नींबू रखवा दे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी पंडित जी। सारे कमरों में एक एक नींबू आपको रखवाना है, सारे कमरों, ठीक है। हाँ जी। कपूर अगरबत्ती आप भैरव बाबा के नाम पे, बजरंगबली और माता दुर्गा के नाम पे आप जला देंगे, ठीक है, शाम के टाइम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। हाँ, तो शाम के टाइम पे आप जला देंगे, रात्रि में मेरी एक अपनी शक्ति चले जाएगी आपके पास, अभी भी आपके पास मेरी शक्तियां हैं, ठीक है। भैरव बाबा, तो भैरव बाबा का अस्तित्व आपके पास पहुंच गया है वहां से, ठीक है। तो ये मैं आज रात में करेंगे, कल सुबह में सारे रास्ते खोल दूंगा मैं आपका, आपके घर से जो बुरी ताकतें हैं उसे मैं हटा दूंगा, जो पनौती है, जो चिड़चिड़ापन आता है ना आप लोग को। हाँ जी, हाँ जी।